उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में खनन माफियाओं की गजब कारस्तानी उजागर हो गई है। प्रयागराज के छिबैया सुमेरपुर घाट पर खनन माफियाओं ने गंगा की धारा को ही दो भाग में बांट दिया है। खनन के लिए गंगा के बीच एक अस्थायी सड़क बनाकर प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन कराया जा रहा है। ये हवेलियां बनवाए हैं। अच्छा। हाँ, वही कॉन्ट्रैक्टर बाप डीसी जी का वही बनवाई का अपन काम कर रहे हैं। क्या ले जाते हैं? वो ट्रैक्टर बाप उनकी डीसी जी का। अच्छा। तो अपन पैदा करे भाई माटी बालू वही ले जाते, वही रास्ता बना दी। हाँ, तो वही रास्ता। झूसी इलाके में बनी इस अवैध सड़क से हर रोज सैकड़ों ट्रक अवैध खनन कराकर बाहर भेज दिए जाते हैं। मिट्टी और बालू की खुली खरीद फरोख्त जारी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन चुप बैठे हुए हैं। हालत यह है कि प्रयागराज में गंगा नदी के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो गया है। नदी की धारा रुकने से यहाँ पर काई जम गई है और गंगा प्रदूषित हो रही है। रास्ता बना है सीधा? हाँ, हुआ भवानी। कहाँ तक? कछार तक? कछार तक पूरा नहीं, आधे कछार तक। बालू लू आता है क्या? हाँ, मैंने अपन झुका हुआ ले आओ बालू मिट्टी। हाँ, बहुत दिन से बना है? नहीं, सोतवा जी सोता आवत ना गंगा जी की, जब गंगा जी हटी है बार बार में तब से बना, तब बनावा जाते हैं बालू ले जाए के लिए। प्रयागराज की इस खबर पर प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। डीएम ये कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। ये शिकायत हमारे सामने आई है और हम टीम भेज के इसकी जांच करा ले रहे हैं। अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, गंगा का प्रवाह रोका गया अपने अपने अपराध? अब बिल्कुल, इसका हम टीम भेज के अगर इस तरह की कोई शिकायत है और ये सब छुपाई जाएगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच माफियाओं ने नदी से खनन कराने का काम नहीं बंद किया है। हर रोज ट्रैक्टरों से, ट्रकों से मिट्टी और बालू को अलग अलग इलाकों में सप्लाई करा के लाखों करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं। इस मामले पर प्रयागराज के जिलाधिकारी ने अब जांच की बात कही है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये देखना बेहद जरूरी है।